मोटा मेजी उस बेडशीट खराब कर देता। बंटी, ओ बंटी बात सुन, तूने फिर से मेरी सारी बेडशीट खराब कर दी। तूने क्या समझाया, देख क्या समझाया, गर्लफ्रेंड अगर तू ऐसे ही करते रहा ना तो शादी से पहले फारिग हो जाएगा। अरे यार बिलाल, कल हकीम साहब ने दवाई दे दी थी, तुझे तो पता है कितनी गर्म होती है, हो गया मेरा ट्रक कल्टी। तो तेरे हकीम साहब के नुस्खों से परेशान है वो, ये पकड़। अरे अरे जानी, जाके दो। जानी एक बात याद रख ले, वो मर्द ही नहीं जो के बेडशीट खराब ना करे। वो बंटी क्या हुआ, क्या हुआ, वो लग गया क्या, प्राइस बॉन्ड निकला है क्या? नहीं नहीं, एक कंपनी को अपने 150 मुलाजमीन के लिए रोजाना के बुनियादों पे खाना दरकार है। कैटरिंग सर्विस रिक्वायर्ड। पागल हो गए क्या? कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 20 लाख चाहिए। जानी बिजनेस तो हमारा कब का स्टार्ट हो चुका है, बल्कि स्टार्ट नहीं दौड़ रहा है। तो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ दौड़ रहा है? सलीम भाई, मेरे अब्बा, कैटरिंग सर्विस। मैं नहीं जाऊंगा अब्बा के पास अब। अरे तुझे जाना थोड़ी है बावले, तुझे उनका स्टैम्प पैड हमारे पास लाना है। स्टैम्प पैड उनकी कंपनी का, काम हमारा और खाना ढाबे का। अच्छा फिर ये बता, हाँ? तो आगे कितने का बेचेगा? 200 रुपए का। 200 रुपए का उनको बेचेंगे और ढाबे से उठाएंगे 100 रुपए का। बंटे, हाँ? कितना प्रॉफिट हो गया इस तरह? 100% मुनाफा। और अगर 150 बंदों को बेच रहे हैं तो हमारा दिन का प्रॉफिट कहाँ पे गया बिल्लू? 15,000 15,000 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ पे जा रहा? 50,000 अमीर।